कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो लगता है कि सारे के सारे ही लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे। और कुछ अभी तो कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि थर्ड वेव आ जाएगी। अभी थर्ड वेव तो तब आएगी जब हम इस सेकेंड वेव से तो पहले निपट लें। हम आने ही नहीं देना चाहिए, हमारे को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन हो पहले ही उसको ख़त्म कर लें। हमें वेव का इंतज़ार करना क्यों, उनका इंतज़ार हम पहले क्यों ना इंतज़ाम कर लें ताकि वो इन्फेक्शन हो ही ना, फैले ही ना। हम अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो इस तरह की वेव्स नहीं आएंगी। अभी सिचुएशन तो वैसे काफी खराब है। प्रॉब्लम सिर्फ ये भी है कि लॉकडाउन जो है काफी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता तो आई थिंक केसेस हम चेन ब्रेक कर पाते, बट अभी चेन ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इसी चक्कर में महाराष्ट्र में भी चेन ब्रेक आफ्टर 1 मंथ के लॉकडाउन के बाद हुई है, सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 वीक्स फॉर अस टू ब्रेक द चेन।